ठीक है, रोजेमंड रिएक्शन एंड रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये किस लिए यूज होता है? ये एक और काम के लिए यूज होता है। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन कहां पर यूज होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में यूज होता है। बहुत से रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। आप नीट बोलो या आईएससी 2021 बोलो, सीबीएसई बोलो, महाराष्ट्र बोर्ड बोलो, बिहार बोर्ड, यूपी, कर्नाटका, जितने भी इंडिया में बोर्ड्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, रोजेमंड रिएक्शन को एक और नाम दिया गया है, रोजेमंड रिडक्शन। ठीक है, आप लोग एक बार डेफिनेशन को कम से कम कॉपी कर लो, और जब तक मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ उन लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि अभी लाइव क्लास है। सो मैं बस स्टेटस में लाइव नाउ बस एक बार लिख रहा हूं, आप भी जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट। चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। क्या है हमारा रोजेमंड रिडक्शन या रोजेमंड रिएक्शन? आपको यहां पर डेफिनेशन दिख रही है, लिख रहा है एल्डिहाइड। व्हाट इज एल्डिहाइड? एल्डिहाइड आपका क्या है? RCHO कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं? एसिड क्लोराइड क्या है? RCOCl। अगर आपकी बेसिक वीक भी है तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग ज़ाइलिन, ये सब बस एक मीडियम है, बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट सस्पेंडेड इन बेरियम सल्फेट। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं हम लोग, बस आगे देखते जा रहे हैं। पवन शर्मा आईसीएससी की मैंने खुद कुछ दिन पहले कल ही अपलोड की है, चैनल का नाम है प्रेप योर सेल्फ। ठीक है, आप इस चैनल में जा सकते हो, प्रेप स्पेस मत देना, योर सेल्फ। यहाँ पे मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की वीडियोस ला रहा हूँ, और ट्रांजिशन में नीट एंड बोर्ड्स की वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है, चलो, एल्डिहाइड डस फॉर्म और इजिली रिड्यूस टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड बनता है, ये एसिड क्लोराइड में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं एसिड क्लोराइड में अगर आप हाइड्रोजन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, मीडियम बॉइलिंग ज़ाइलिन है, लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एल्डिहाइड यहाँ बनता है, ये इजिली रिड्यूस होके वापस रिड्यूस होके आगे क्या कंपाउंड बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। इस चीज को आप सबसे पहले समझो। बहुत से आप YouTube में वीडियो भी देखोगे, बहुत से टीचर ने भी दिखाया कि एल्डिहाइड बन रहे हैं, नहीं, ये इसके आगे रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बुक वगैरह में, एल्डिहाइड डस फॉर्म और इजिली रिड्यूस टू अल्कोहल। तो इस चीज को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिस इज प्रिवेंटिंग बाय पॉइजनिंग द कैटलिस्ट। ये जो भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इसको पॉइजन कर देते हैं थोड़ा सल्फर एंड क्यूनोलाइन देके। क्यूनोलाइन एक कंपाउंड है, अक्षत, अनमोल, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, पॉफर्स रूल भी बताऊंगा। एक बार मुझे रोजेमन रिडक्शन पढ़ाने दीजिए, उसके बाद एंड में आप जो बोलोगे मैं सभी चीज का क्वेरीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हेलो आदित्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, रोजेमन रिडक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सीख लो बहुत हेल्प करेगा, बिल्कुल बताऊंगा। अक्षत इसको देख लीजिए पहले, दिस इज प्रिवेंटेड बाय पॉइजनिंग द कैटलिस्ट पार्शियली बाय लिटिल सल्फर। देखिए क्या है, व्हाट इज एसिड क्लोराइड? आप इसे इस तरह से बॉन्ड ओपन कर लो, दिस इज नोन एज एसिड क्लोराइड। मैंने नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, नोमेनक्लेचर आसिफ मुमताज लिख लेना, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। रिपीट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा इसको पीछे कर लो, आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। अगर आप किसी भी एसिड क्लोराइड, इस कंपाउंड ये क्या है, RCHO होता तो क्या नाम होता है? एल्डिहाइड। उसी तरह RCOCl, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, कंबाइंड वे में RCOCl। ठीक है, ये एक एसिड क्लोराइड है। जब आप हाइड्रोजन दे रहे हो, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप दे रहे हो? यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, मगर ये देने से क्या हो रहा है? एल्डिहाइड तो बन रहा है मगर रिड्यूस होके फिर अल्कोहल बन जा रहा है, तो साथ में इसको थोड़ा पॉइजनिंग करना होगा। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं और आप अगर इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, तो ये पूरा लिखिए। ठीक है, कॉम्पिटेटिव में सिर्फ ये भी दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि एल्डिहाइड बन रहा है। क्या कंपाउंड बनेगा ये बनेगा RC OH और साथ में HCl आउट होगा। इसका मैकेनिज्म पहले समझिए, ये किस तरह से हो रहा है। ये एसिड क्लोराइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग द कंपाउंड नोन एज एल्डिहाइड। आप पहले इस फंडामेंटल को अच्छे से समझिए कि ये किस तरह से एक्ट कर रहा है। ये RCOCl है, आप हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्या है ये? HH, मैं फिर से एक बार कैटलिस्ट लिख दे रहा हूं,
आपको बार बार लिख दे रहा हूं कि याद हो जाएगा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, साथ में हमें क्या लेना है, सल्फर प्लस क्यूनो लाइन। क्या हमारा कंसेप्ट यहां पे जनरेट होगा, यहां से Cl और यहां से आपका H, ये आउट हो गया और ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड के जगह पे आके प्लेस हो गया। ज़ाइलिन लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे भी अच्छी बात है और नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कंपाउंड बनेगा ये, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या है ये एल्डिहाइड है। आप शॉर्टकट भी देख सकते हो, आप शॉर्टकट वे में भी इसे दिखा सकते हो, आपको उतना ओपन करने की जरूरत नहीं है। आर सी ओ सी एल है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है। बार बार मैं कैटलिस्ट इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये कैटलिस्ट याद हो जाना चाहिए, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसे लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। मैं आऊंगा उस पोर्शन में, पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं। प्लीज थोड़े अपने फ्रेंड लोगों को लिंक शेयर कीजिए कि वो भी लाइव आ पाए। अब क्या होगा, यहां से एक एच और यहां से एक सी एल आउट होगा। आपको देखने में क्या लग रहा है, आर सी ओ एच बन रहा है, यही लग रहा है ना, मगर आर सी ओ एच का एक्चुअल में अरेंजमेंट क्या है आपका, आर सी एच ओ विच इज एल्डिहाइड। एकदम क्लियर है? आप बोलोगे सर मुझे कुछ एग्जाम्पल दिखाओगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। नहीं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किस कंपाउंड पे लेते हैं, CH3COCl, इसे एक और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का, एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम हमारा क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर है? क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, CH3COCl। अगर मैं रोजेमन रिडक्शन कर रहा हूं तो क्या यूज कर रहा हूं, हाइड्रोजन PDBSO4, सल्फर प्लस क्यूनोलाइन, क्या फॉर्म हो रही है आपकी। बस इस एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, ये चेंज होके क्या बन गया, CHO, बाकी बगल में कुछ भी हो साथ में HCl निकल रहा है। मैं बैलेंस दिखाने की कन्वर्जन में जरूरत थी मगर फिर भी शो कर रहा हूं, अगर इंडिविजुअल रिएक्शंस आती है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसी चीज को सेम आप देखोगे, इसी सेम चीज को देखोगे आप इस तरह, जैसे ये क्या है, ये कार्बन है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी एल है, ये सी एस थ्री है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, देख लीजिए। ठीक है, बहुत से बुक में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन है, इसका मतलब क्या है, एक कार्बन है। ये क्या है, ये डबल बॉन्ड यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, और ये क्या है, सीएल है। देखिए CH3COCl बन गया। इसी चीज को एग्जाम में इस तरह से आता है, देखिए किस तरह से नीट वगैरह में ही आता है। ठीक है, हम लोग क्या यहां पर लिखा रहता है, PDBSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत बार सल्फर प्लस क्विनोल दिया भी रहता है, नहीं भी, ये क्या बन रहा है, CHO बन रहा है। ये आपका क्या है, ये डबल बॉन्ड ओ है, एच है, और ये CH3 बन रहा है। लिखने के लिए मैं किस तरह लिख सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं। क्लियर एकदम? चलिए और भी एग्जाम्पल देखता हूं, काफी एग्जाम्पल है। आप बोलोगे नहीं सर आप सिर्फ एसिटाइल क्लोराइड दिखा रहे हो, एक और एग्जाम्पल आप ले लो। आप प्रोपेनॉइल क्लोराइड ले लो, 3 कार्बन का कॉमन नेम इसकी याद नहीं रखनी है। प्लीज लिंक को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि वो लाइव में आके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर पाए। ठीक है, क्या है हमारा, एकदम सिंपल। अब मैं और बार बार उस तरह से नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा रहता है हाइड्रोजन, यहां पर PDBSO4 हाइड्रोजन नहीं भी दिया है। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लीजिए, बिल्कुल करूंगा। ठीक है, सल्फर प्लस क्विनोलाइन लिख सकते हैं, क्या बन गया, CH3CH2CHO, प्रोपेनॉइल क्लोराइड से क्या बन गया, प्रोपेनॉल। आप इसी तरह बेंजीन रिंग की भी रिएक्शन देख सकते हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस रिएक्शन का क्या फायदा है, मैं उस सभी चीज में आ रहा हूं।
क्या है? एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, एकदम क्लियर है कि फिर से बताना, अगर कोई भी डाउट है तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें ये सेम लिंडर कैटलिस्ट, ठीक है, पीडीबीएसओ फोर को एक और किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, इस कैटलिस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्यों बोलते हैं नहीं बोलते हैं अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग जिस चीज के लिए आए हैं पहले उस चीज पे वर्क करते हैं। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं थोड़ा पीछे कर लीजिए, मैंने रोजिमेन रिडक्शन स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन 10 ईयर्स में देखिएगा 9 टाइम्स आया है, वो जो भी हो किसी भी एग्जाम में। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, आप हाइड्रो, ये कन्वर्जन की तरह हाइड्रोजन लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा रहा हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देके बोले कि कंपाउंड बनाने, हमारा फंडामेंटल क्या है इस चीज के ऊपर है, ये चेंज होके आपका क्या बन रहा है? CHO, क्या बोलते हैं ये, थोड़ा सा यहां पर निकल गया है, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, कार्बन का मैटर है। क्या नाम है इस कंपाउंड का? दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। एक मिनट, हेलो, ठीक है सर, मैं आपको भेज दे रहा हूं सर। ये क्या है आपका? बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से ये क्या बन रहा है? बेंजल्डिहाइड बन रहा है। देखिए PDBSO4, एग्जाम में अगर सल्फर प्लस आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो पूरा लिखो, नहीं तो वो अगर ये चीज दे रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि रोजमेंड रिडक्शन है। ये क्या है? हाई टॉरस, ये क्या है हमारा? रोजमेंड रिडक्शन है। एकदम क्लियर है? आप ब्ला ब्ला बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक एरोमेटिक भी दिखा दिया, दो एलिफैटिक भी दिखा दिया, इसका नीड क्या है ये चीज मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा किसका नीड क्या है, मगर इससे पहले क्या हो सकता है नहीं हो सकता है? देखिए जितना भी एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड क्या क्या है पहले समझिए, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एसिड क्लोराइड से क्या कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं रोजमेंड रिडक्शन में? एसिड क्लोराइड से हम लोग एल्डिहाइड बना रहे हैं, इससे कीटोन नहीं बनेगा रोजमेंड रिडक्शन से, याद रखिए। PDBSO4 अगर आप दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर आप H2 भी लिख सकते हैं, सल्फर प्लस क्विनोलाइन में, तो ये एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा मैं दिखा रहा हूं। एक एक एसिड क्लोराइड को हम लोग लेते हैं, ठीक है, हम लोग सबसे पहले, सबसे मिनिमम कार्बन का एसिड क्लोराइड क्या है? HOCOCl, इसको क्या नाम दिया गया है? फॉर्माइल क्लोराइड, कॉमन नेम। गुड इवनिंग तौरस, इसे एक और नाम से जानते हैं, मिथेनॉइल क्लोराइड। सेम दीजिएगा, क्या होगा ये चीज चेंज होके क्या बन जाएगा? HCl, क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। मगर यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पर ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपाउंड है ये एक्सेप्शंस में आता है, मैं थोड़ी देर में इसके बारे में आ रहा हूं, चलिए, ये सिर्फ एक एक्सेप्शंस में आता है। अगर आप CH3COCl ले रहे हो, देखो फिर से सेम चीज का मैं ब्रशअप कर रहा हूं, ठीक है, वही सेम रिएजेंट PDBSO4 सल्फर प्लस क्विनोलाइन, एग्जाम में क्विनोलाइन नहीं भी दिया है अगर कोई एमसीक्यू में तो समझ जाइएगा ये यही है। ये चीज चेंज होके क्या बन जा रहा है? CH3CHO। तो हमारा मेन लॉजिक कहाँ जा रहा है? हमारा लॉजिक ये है कि इस तरफ कोई भी कार्बन हो, अगर आप ये कैटलिस्ट दे रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है? CHO, मतलब एसिड क्लोराइड का ग्रुप किसमें चेंज हो रहा है? एल्डिहाइड में, ठीक है। आप इसी तरह बेंजीन की भी कंपाउंड ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, जिसे हम लोग बेंजीन रिंग के तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सेम चीज है जो मैंने ऊपर में यहां पर दिखाया है आपको, इस तरह भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या है आपका? PDBSO4 सल्फर प्लस क्यूनोलाइन, क्या बन गया? CC5CHO, बेंजल्डिहाइड। एकदम क्लियर है, देख लीजिए एक बार, अगर क्लियर नहीं है तो मैं 30 सेकंड के लिए आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं, आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, कितने लोग हैं प्रेजेंट, मैं एक बार कमेंट देख लूं। चल, किसी ने कमेंट नहीं किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर एकदम। अब आता हूं, देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैंने ऊपर में बताया, मैं उसमें आ रहा हूं। उससे पहले मैं उसे लिख देता हूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शंस, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर एकदम। थोड़ा अपने और फ्रेंड लोगों को भी लिंक शेयर करो। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बाई दिस मेथड। दिस मेथड का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रोजमन रिडक्शन। बाई दिस मेथड का मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रोजमन रिएक्शन भी बोला जाता है, रोजमन रिडक्शन भी बोला जाता है। अब दोनों से कोई भी नाम लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। वाई, देख लीजिए मैं पूरा लिख रहा हूं। सिंस इट्स corresponding acid chloride जो हमारा क्या है, इसका corresponding acid chloride HOCOCl, जिसे क्या बोलते हैं, formyl chloride। ये आ रहे सर, is unstable at room temperature। पूरा मैं एकदम डिटेल में आ रहा हूं। रोजमन रिडक्शन से अगर किसी भी लेवल में क्वेश्चन आता है, वो क्यों नहीं बीएससी एमएससी हो जाए, तो हमारा आंसर पूरा क्लियर रहना चाहिए। मैं उस लेवल का आपको रिएक्शन बता रहा हूं। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, मगर सीखिए। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता है ये, आइए देखते हैं। यहाँ पे इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। HOCOCl में भी तो आपका क्या होना चाहिए, आप अगर PDBSO4 दे रहे हो, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये चीज चेंज होके क्या बनना चाहिए, SCHO, यही होना चाहिए, मगर ये नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है आपका करेक्टली, ये HOCOCl, ये देने से पहले ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये ब्रेक होके क्या बन जाता है, HCl प्लस CO। क्लियर है, इसी के लिए इस पे रिएक्शन नहीं होता है। पहला एक्सेप्शन मैंने आपका एकदम क्लियर कर दिया है। अब मैं सेकेंड एक्सेप्शन में आ रहा हूं। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स ऑल्सो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दूर दूर हो गए हैं क्या, रोजेनमन अलग हो गए हैं। हेलो बिशवांगला गेट के आसपास जी, रोजेनमन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू रोजेनमन रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन लिखिए, एक ही बात है। आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब एसिड क्लोराइड से आप कीटोन नहीं बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं, मैं एसिड क्लोराइड से कीटोन बना सकता हूं, मगर लिंडर कैटलिस्ट लेके नहीं बना सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं, एसिड क्लोराइड में अगर आप लिंडर कैटलिस्ट दे रहे हैं, अगर आप एसिड क्लोराइड में, देखिए रोजमन रिडक्शन क्या है, आप एसिड क्लोराइड में लिंडर कैटलिस्ट दे रहे हैं, लिंडर कैटलिस्ट क्या है, PDBSO4 PD plus BSO4 क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन नहीं बनेगा। मगर अगर आप चाहते हो कि आप कीटोन प्रिपेयर करो, तो उसके लिए एक अलग चीज है। कीटोन अगर आप एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको ये रिएजेंट नहीं, कुछ और यूज करना होगा। बट दैट इज नॉट नोन एज रोजमन रिडक्शन, बट दैट इज नॉट नोन एज रोजमन रिडक्शन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है थोड़ा लाइक करते हुए चलो दोस्त। अगर इसमें आप, ठीक है, अगर इसमें आप डाई कैडमियम, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम अगर देते हैं, मैं दिखा दूंगा, ये भी आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूं।
अगर आप यहां पे डाई अल्काइल कैडमियम देते हैं, क्या है ये मैं दिखा देता हूं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देन इट विल फॉर्म कीटोन, बट इसे रोजेमन रिडक्शन नहीं बोलते। रोजेमन रिडक्शन किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, दिस इज नॉट अ रोजेमन रिडक्शन, जहां पर एसिड क्लोराइड से कीटोन बन रहा है, बिकॉज यहां पर लिंडर कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है। इज इट ओके, सभी को मेरी बात समझ में आ रही, थोड़ा लाइक करते हुए चलो दोस्तों, और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हुए चलो, ठीक है। आई एम हियर फॉर यू ऑल, मैं यहां पर लाइव आया हूं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे ट्रांजिशन के भी स्टूडेंट काफी बोल रहे थे कि सर हमारा केमिस्ट्री में बहुत कुछ ऑर्गेनिक में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोला कि ठीक है, मैं अब ये सीरीज लाया हूं, मोर ऑर लेस अब रेगुलर बेसिस पे ये चलेगा। क्लियर एकदम, रोजेमन रिडक्शन क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा आपको कीटोन के बारे में जो है वो भी बता देता हूं। कीटोन रोजेमन रिडक्शन से प्रिपेयर नहीं होती, ये भी बहुत, कीटोन प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, कीटोन प्रिपेयर करने के लिए एसिड क्लोराइड से हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज डाई अल्काइल कैडमियम। ये क्या है आपका, डाई अल्काइल कैडमियम। चलिए रिएक्शन देखते हैं, किसी ने कुछ, चलो अक्षत तौरस देवजीत दास, कीटोन हमारा क्या है, दिस इज कीटोन, आर सी ओ सी एस थ्री, मैं एक एसिड क्लोराइड ले रहा हूं, ठीक है, आर भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके बारे में अभी थोड़े देर बाद, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर क्रिएट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए आइए, कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये मैं आर टू सी डी ले लेता हूं, क्या यूज हो रहा है यहां पर, मीडियम क्या है, एक ड्राई इथर, ये क्या बन जाएगा, आर सी ओ आर प्लस सी डी सी एल टू, आपको टू मोल लेना होगा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और डिटेल में देखना है देखते जाइए, सी एस थ्री सी ओ सी एल, ये कंपाउंड को मैं बार बार नाम लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। आपने क्या दिया, मान लो आपने सी एस थ्री होल ट्वाइस सी डी दिया, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल कैडमियम। देखिए मिथाइल ग्रुप है, अगर इथाइल होता तो क्या बोलते हैं, डाइथाइल कैडमियम। क्या मीडियम यूज करेंगे, ड्राई इथर। अब देखो ये सी एस थ्री, ये सी एल यहां से हट जाएगा, ये सी एल यहां से हट जाएगा, सी डी सी एल टू बनाने, मगर हमें बैलेंस करना होगा। क्या हुआ, ये सी एस थ्री सी ओ, ये सी एस थ्री आके यहां पे अटैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दो है, तो यहां पर टू पहले से लिखा है, देखिए एसीटोन बन गया, प्लस ये क्या है, सी डी सी एल टू, ये कंपाउंड हमारा क्या है, दिस इज एसीटोन, जिसे हम लोग आईयूपीएसी नेम में प्रोपेनोन भी बोलते हैं, अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक अंकित, कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हमारा एक रिएक्शन हमने देख लिया, एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सेम लेता हूं, सी एस थ्री सी ओ सी एल, डाई मिथाइल कैडमियम के जगह मैं डाई इथाइल कैडमियम ले लेता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और आपके फ्रेंड भी अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलिए, क्योंकि देखिए व्यू बहुत है मगर सब्सक्रिप्शन कम है, आई डोंट नो व्हाई। सो प्लीज अगर इस चीज को करते रहिएगा तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों के व्यू, आप लोगों के कमेंट पे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो मैं यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ब्यूटानोन या ब्यूटेंटुओन, देख लीजिए क्लियर है। रोजेमन रिडक्शन का भी पूरा फंडामेंटल मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो डाउनलोड हो जाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, कि जो लोग बोर्ड्स में लिखना चाहते हैं, जो नीट और जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएससी सीबीएसई सभी के लिए है ये, ठीक है। आप अगर आपको कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम होता है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, एज यू नो माई नेम इज आसिफ मुमताज,
ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं डेली लाइव जाता हूँ 2:30 से मैं डेली लाइव जाता हूँ खान अकेडमी प्लीज चैनल में, आप वहां पर आके अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर और मेरा नाम आप लोग जानते हैं, आसिफ मुमताज। अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए जो मैं मैक्सिमम बनाया हूं, आप नाम के साथ आसिफ मुमताज देके आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, इस सेशन को अटेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून, बाय।